बातमी बिहारमधली आहे. बिहारच्या जहानाबादमध्ये चेंगराचेंगरीचा प्रकार घडलेला आहे. ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1,00,000 अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. मखदुमपूरमधल्या सिद्धेश्वरनाथ मंदिरात ही घटना घडलेली आहे. यात 8 भाविकांचा मृत्यू झालाय तर 6 जण जखमी झाले. श्रावणी सोमवार असल्यानं बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिरात भाविक जलाभिषेक करण्यासाठी येत असतात. या जलाभिषेकादरम्यानच ही चेंगराचेंगरी झाली. पोलिसांनी लाठीमार केल्यामुळे चेंगराचेंगरी झाल्याचा आरोप काही भाविकांनी केला. दरम्यान मृत आणि जखमींची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त होतीये. जखमींवर सध्या मखदुमपूरमधल्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. इस वक्त हम है जहानाबाद के पोस्टमार्टम रूम के समीप. 6 लाशें आई हैं. प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं. उनका क्या कहना है, कैसे घटना हुई, क्या हुआ है, कैसे हुआ? वहाँ पूजा के लिए गए थे बराबर पहाड़ पर. और वहाँ बराबर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, मेन मंदिर पर जाने के लिए 3 रास्ता है. और तीनों रास्ता से आदमी जब चढ़ जाते हैं तो ऊपर में जा करके सब संख्या एक जगह जमा हो जाता है, तो काफ़ी संख्या का भीड़ उमड़ पड़ता है. लेकिन उसको संभालने के लिए प्रशासन नहीं थे. घटना कैसे हुई, क्या हुआ? घटना में कुछ NCC के लड़के लोग थे. प्रशासन के अभाव में NCC के लड़के हैं और वो मनमानी कुछ किए हैं और वो लाठी का प्रयोग किए. इसमें भागने लगा लोग और एक पर एक गिर गए हैं. उसमें चढ़ करके आदमी मौत के घाट उतरे हैं. हमें जानकारी जो मिली है, लगभग 10 लड़का से हम बात किए जो बराबर पहाड़ से पूजा करके आए हैं, वो लगभग सभी लोग यही एक ही बात बोल रहे हैं कि लगभग मरने वाली की संख्या 50 से कम नहीं. मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है. हमारे सामने प्रशासनिक के आला अधिकारी भी हैं सर. अभी 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 यहाँ पे कितनी बॉडी आई है? यहाँ पे 7 आ गया. अभी यहाँ पे 7 बॉडी आई है. और क्या घायलों का कहाँ इलाज हो रहा है? सदर अस्पताल में हो रहा है और मखदुमपुर अस्पताल में हो रहा है. घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल और मखदुमपुर में हो रहा है. मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या बढ़ सकती है. रंजीत राजन, ABP न्यूज, जहानाबाद. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.